स्पून घी लिया है। ये हमने 50 ग्राम फुल पताशे लिए हैं, इसको हम रोस्ट कर रहे हैं। इसको सिर्फ 2 मिनट ही रोस्ट करना है। अभी हमने गैस ऑफ कर दिया है। अभी हम 20 टू 25 पीसेस लेंगे फुल पताशों के, उसको हम ग्राइंड करेंगे। अभी हम इसको अलग कर देंगे। अभी हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ये हमने बड़ा ऑनियन लिया है और 2 ग्रीन चिली लिए हैं। ऑनियन को हमने कद्दूकस कर लिया है, ग्रीन चिली को छोटे छोटे पीसेस में किया है। अभी हम इसको डालेंगे कुकर में। अभी हमारा अनियन ब्राउन कलर होने को आया है। अभी हमने गैस लो कर दिया है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं 3 टोमेटो के। ये हमने आलू के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और हमने इसको वॉश कर दिया है। अभी हम आलू डाल रहे हैं। अभी हम नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। अभी हमने फ्लेम लो कर दिया है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। लो फ्लेम पे ही इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी हम इसमें डालेंगे अपने फुल पताशे, मखाना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मिनट में हम इसको घुमाते रहेंगे, भुनेंगे इसको हम अच्छे से। अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप पानी, ये स्टैंडर्डाइज कप है। अभी जो हमने मखाने पीस के रखे थे वो डालेंगे। जैसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। फ्लेम फास्ट कर देंगे और इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे, बट धीरे धीरे आपको पानी डालना है, आपको अपने क्वांटिटी के हिसाब से देखना है। इसे आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अभी हम इसे 4 विसल्स लगाएंगे और ये रेडी हो गई है हमारी फुल पताशे की टेस्टी सब्जी। अभी हम इसे एक बार चेक करेंगे कि आलू पक चुका है या नहीं, और ये हमारा आलू भी पक चुका है। अभी हम इसको सर्व करेंगे।